अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे समानिया आपके साथ। और आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जो काफ़ी यंग है, काफ़ी टैलेंटेड है और नेशनल इंटरनेशनल लेवल की एथलीट है और बांडीपोरा में रहती है। नाम है उनका सबकत मलिक। सबकत, आपका वेलकम है रेडियो चनार पर। ओके, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं अपने बारे में कुछ कि आप कहाँ से हैं और क्या करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबकत मलिक है और मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से हूँ। आई एम 10 टाइम्स नेशनल प्लेयर एंड नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। रिसेंटली मैं इंटरनेशनल खेल के आई हूँ जो थाईलैंड में हुआ था जी। तो अब मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रही हूं। दैट्स सो ग्रेट सबकत, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे आपका जो ये जर्नी है स्पोर्ट्स का, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन सिक्स्थ क्लास, तो मैंने वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब ऐसा मतलब मोड भी आया, मैंने अपनी आई वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, सो बट आई नेवर गिव अप। वाओ, दैट्स ग्रेट, और यही स्पिरिट है जो हमेशा होनी चाहिए। वेल, अगर हम बात करें आपकी गेम की, सो कौन सी गेम है जिनको आप अभी खेल रहे हैं? मैंने तो जब मैंने मतलब नेशनल स्टार्ट किए, सपोज डिस्ट्रिक्ट लेवल मैंने मतलब खेली, स्टेट लेवल खेला, इन नेशनल मतलब खेला, वो मैंने डिफरेंट गेम्स में खेला, लाइक ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, वुशो, फिर मैंने एक ही गेम चूज की, जुजुत्सो, जिसका नाम है, इट इज बेसिकली अ जापानीज गेम। ओके, जुजुत्सो, सी यू नो इट्स क्वाइट न्यू, ये टर्म जो है जुजुत्सो, टेल अस समथिंग अबाउट इट, कि ये गेम किस बारे में है? ये मिक्सिंग मार्शल आर्ट हम बोलेंगे इसको, इसमें जो जूडो, कराटे, सारा मिक्स होता है। ओके ओके, ठीक है। तो अगर हम आपके अचीवमेंट्स की बात करें, जैसे आपने अभी कहा कि आपने नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कंट्री को, यूटी को जो है रिप्रेजेंट किया है, सो इसके बारे में बताइए। तो मैं ये बोलूँगी कि मैं 10 टाइम्स नेशनल प्लेयर हूँ, ऑल्सो एक गोल्ड मेडलिस्ट भी, और मैंने 4 सिल्वर जीते हैं नेशनल में और बाकी 4 मैंने गोल्ड जीते हैं नेशनल में। सो अब मैंने इंटरनेशनल में खेल के आई हूँ, मैंने वहाँ पे 9th रैंक सिक्योर्ड की, सो अब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए खेलने जा रही हूँ। वाओ, दैट्स सो ग्रेट। सबका जब नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमें गोल्ड मिलता है या सिल्वर मिलता है या इंटरनेशनल लेवल पर खेलना ही काफ़ी बड़ी बात है, सो कैसा फील आता है, होता है जब आप घर आते हैं मेडल लेकर, और फैमिली का रिस्पांस कैसा रहता है? फैमिली का मैं क्या ही बोलूँ, उन्होंने हर बार मेरा सपोर्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ कि अगर उन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने मुझे इस फील्ड में छोड़ा, क्योंकि मेरा बचपन से ही पैशन रहा है कि मैं इस फील्ड में आऊँ, मैं मुझे जो करना है स्पोर्ट्स में ही कुछ करना है, अपनी जर्नी जब मैं मुझे स्टार्ट करनी, कुछ बनना है तो अपने मतलब मार्शल आर्ट में ही कुछ करना है। तो घर वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, तो उन्होंने हर एक बार मतलब हर वो छोटी बड़ी चीज़ का मुझे मतलब महसूस ही नहीं करने दिया कि ना हम ये तेरे लिए नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उनका अच्छे से सपोर्ट रहा। सेकंड मेरा जो कोच है मुजफ्फर सर, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उनका मेन हाथ रहा है मेरी कामयाबी के पीछे, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा जो आपका सपोर्ट्स है, इसके अलावा लाइक आपका पढ़ाई का क्या सीन है अभी? मैं अभी मतलब रिसेंटली मैंने BPE में ज्वाइन किया, मैंने मेरा फर्स्ट सेम चल रहा है उसमें जी, महाराष्ट्र में कर रही हूँ मैं। वाओ, दैट्स सो गुड। और इस सबकत, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी सी अभी कुछ क्राइम जो हैं वो बढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं यू नो हरास किया जाता है गर्ल्स को, रेप्स के भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी केसेस आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो सेल्फ डिफेंस है एक लड़की के लिए कितना ज़रूरी है? लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हर एक लड़की मतलब स्पोर्ट्स में अपना वे चूज़ करे, लेकिन ये मतलब ये भी ज़रूरी है कि वो इसमें स्पोर्ट्स में आए, मतलब फिजिकली फिट रहे, इसमें ये भी है कि मतलब वो अपने आप को डिफेंस कर सके, हर एक मुश्किल का सामना कर सकती है वो, इसमें अपने आप को वो प्रोटेक्ट भी कर सकती है, एटलीस्ट वो खुद को ही प्रोटेक्ट कर पाए, वो बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पर सबके हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पढ़ाई भी कर रही हैं, सो आप मैनेज कैसे करती हैं अपना यू नो आपका सपोर्ट्स और पढ़ाई, क्या डिफिकल्ट रहता है दोनों चीज़ें मैनेज करना? पहले तो होता था मतलब मैं नहीं कर पाती थी पहले, ये मैं मतलब तब मैं जब मेरा 10th आया तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुई कि मुझे सपोर्ट्स भी नहीं छोड़ना है, यहाँ से पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकती, मुझे मैनेज तो करना है, दोनों मैनेज करने हैं। फिर मैंने क्या काम किया, मैं सुबह सवेर उठती थी 5 बजे का, मैंने मॉर्निंग सेशन रखा था अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो मैं वहाँ से 8 बजे तक मतलब ख़त्म करती थी अपना सेशन, उसके बाद मैं मेरा मतलब पूरा दिन रहता था अपनी पढ़ाई में। फिर मैंने 10th भी मतलब अच्छे से क्वालिफाई किया, तो फिर मैं धीरे धीरे सीख गई कि बैलेंस कैसे करना। ओके, तो अभी प्रॉपरली आप बैलेंस कर पाते हैं टाइम अच्छे से? अच्छे से, बहुत ही अच्छी बात है।
ऐसे आपने अभी स्टार्टिंग में ही शुरुआत में ही कहा कि कुछ डिफिकल्टीज आपने फेस की, आई एम श्योर कि हम सब ही अपनी जर्नी में जो है कुछ डिफिकल्टीज फेस करते हैं, जब तक हम कुछ फेस नहीं करेंगे बिल्कुल तब तक मुझे नहीं लगता हम अचीव भी कुछ कर पाएंगे। तो लाइक आपको क्या लगता है कैसे डिफिकल्टी से बाहर आ सकते हैं और कैसे हम प्रॉब्लम्स जो भी ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं उनको हम टैकल कैसे कर सकते हैं? अगर हम कुछ मतलब इश्यूज फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैं अपना बोलूं कि मैं तब बहुत ज़्यादा छोटी थी और मुझे इतनी सोच भी नहीं थी मुझे इन मतलब मैं जो इशू फेस कर रही हूँ अभी इससे मुझे बाहर कैसे निकल रहा है। सो तब मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं आई हूँ इस फील्ड में मुझे मतलब कुछ करके दिखाना है, अपने घर वालों का सर ऊंचा करना है। अगर मैं यहाँ पर गिव अप करूँगी शायद मैं मतलब अपने जो गोल्स है वो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगी। तो मैं यही बोलूंगी कि लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना है हमें, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज हो, चाहे कितने फेस मतलब फेसेस आए लाइफ में, कितने इश्यूज हमें फेस करने पड़े, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है। कहते हैं ना कि जो स्ट्रगल है या ऑब्स्टेकल है वो ही हमें बनाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है ये। और जो मतलब जुनून होता है अंदर, सपोज हम किसी मतलब अपने रिलेटेड किसी के मतलब मुंह से बातें सुनते हैं, लेकिन मेरा यही मतलब बचपन से यही रहा कि देखो मेरे माँ बाप को मेरी वजह से इतना सुनना पड़ता है, लोग बोलते थे ये स्पोर्ट्स में क्यों आती है लड़की है, इसको घर पे बिठाओ, इसको मतलब बर्तन धोने को बोलो, मतलब फिर जाके इसको मतलब पढ़ाई भी करनी और शादी करनी, लोगों की सोच यही थी। लेकिन बट जो मेरे घर वाले मेरी मम्मा शाम के टाइम मुझे यही बोलती थी कि यार आज इसने मुझे ऐसा बोला, तुम्हारी बेटी की वजह से हमारा माहौल खराब हो रहा है, हमारी बेटियों का माहौल खराब हो रहा है, तो आप छोड़ो। एक टाइम ऐसा भी आया मैं छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। तो अगर मेरे कोच तब नहीं आते, मुजफ्फर सर जब एक बार मेरे घर आए उन्होंने बोला मैंने आप में अलग ही टैलेंट देखा है, आप अच्छी मतलब बहुत मतलब आप में इतना टैलेंट है आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे तब समझाया, मेरे घर वालों को समझाया कि ये इसने अच्छा वे चूज किया है, आप इसको रोको मत। तो फिर अगर मैं तब उस टाइम गिव अप करती शायद मैं आज इस लेवल पर नहीं होती। एग्जैक्टली लाइफ में जैसे ऑलरेडी हमने बात की, कोई भी चैलेंज हो उसको फेस करना ही है और प्रॉब्लम को कहना है कि मैं आपके सामने हूँ, मैं नहीं डरती, बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पर सबके सी अभी आप पढ़ाई भी कर रही हैं, साथ ही साथ आपका भी पूरा फोकस आपकी गेम पर है जोसेफ, सो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, अभी आप कहाँ पर जा रही है खेलने? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रही हूँ जो कजाकिस्तान में होने वाला है अगस्त में। फिलहाल पूरा फोकस मेरा उसी पे है कि इस बार मुझे बेस्ट रिजल्ट चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कुछ करना है अपनी कंट्री के लिए, खास करके अपनी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के लिए मुझे कुछ करना है। फिलहाल मेरा फोकस यही है और मेरा गोल वर्ल्ड चैंपियनशिप तक ही नहीं है, मेरा गोल ओलंपिक। वाओ That's so inspirational and we wish you all the best. I'm sure कि आप ओलंपिक में जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, साथ ही साथ गोल्ड मेडल भी हमें आप दिलवाएंगी। वेल यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो हमारे लिसनर्स है हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी, स्पेशली जो हमारा यंग टैलेंट है जो सबकत के जैसे गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं या लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं? तो मैं उनको ये बोलूँगी, ये मेरी तरफ से एक मैसेज है उनके लिए कि अगर लड़कियाँ इस टाइम मुझे सुन रही है तो मैं उनको यही बोलूँगी, अगर आप में आप मतलब कुछ अचीव करना चाहते हो, आप में भी कुछ ड्रीम्स हैं, आप भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप किसी की बात मत सुनो। आप अगर आपको अगर मतलब नेबर्स कुछ बोल रहे हैं, लोग कुछ बोल रहे हैं कि आप इस फील्ड में मत जाओ, लोगों की बातें क्यों सुननी है हमें, लोगों का काम ही है मतलब किसी की लाइफ में इंटरफियर करना या लेट डाउन करना। बिल्कुल अगर आप उनकी बातें सुनोगे तो आप मुझे नहीं लगता आप कुछ अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो अगर आपको अपने पेरेंट्स का सर ऊंचा करना है, उनको मतलब प्राउड फील कराना है, तो मैं उनको यही बोलूंगी कि आप अपना जो है आपका जो गोल है वो आप अचीव करो, आप लोगों की बात मत सुनो। वाओ दैट्स सो ग्रेट एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सबका, थैंक यू।